झूला झूलता रहे। साथियों, यहां झारखंड के अनेक भाई बहन दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं। मेरे यहां गुजरात में तो मेरा बहुत लोगों से मिलना होता था। मैं कभी सीमा पर जाता हूं तो वहां पर भी काम करने वालों में मुझे मेरे झारखंड के भाई बहन मिल जाते हैं। ऐसे साथियों को, उनको भी जहां हो वहां मुफ्त राशन मिलता रहे, हमने इसका भी इंतजाम किया। हमने एक देश एक राशन कार्ड योजना बनाई। अब मेरे मजदूर साथियों को किसी नई जगह पर जाने पर नया राशन कार्ड नहीं बनाना पड़ता। साथियों, भारत को विकसित बनाने में नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और मैं देख रहा था, जब मैं खुली जीप में आ रहा था, जितनी मात्रा में माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही थी, ये अद्भुत दृश्य था। इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, वो भी अभी तो खाना खाना या पकाने का टाइम होता है, तब आकर के मोदी को आशीर्वाद देने के लिए आ जाएं, ये कितना बड़ा प्यार है। साथियों, ये माताओं बहनों की सेवा बीते 10 वर्षों में टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, बहनों की ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान भाजपा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ता गैस सिलेंडर भी भाजपा सरकार ही दे रही है। अब मोदी पानी की समस्या का समाधान करने में जुटा है, लेकिन यहां इंडी गठबंधन की सरकार इस काम को भी रोक रही है। इतने साल बाद भी झारखंड में जल जीवन मिशन का करीब करीब 50% काम पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड की इंडी गठबंधन की सरकार यहां गरीबों के पक्के घर बनाने में भी रोड़े अटका रही है। और अभी बाबूलाल जी ने बताया, उसमें भी मलाई खा जाते हैं। साथियों, इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। जबकि मोदी की कोशिश है कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुंच जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। एससी एसटी समाज के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई मलाई खाने वाला नहीं, सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। मनरेगा की मजदूरी सीधी बैंक खाते में आती है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधी बैंक खाते में आती है। मोदी के ऐसे ही कामों ने इंडी गठबंधन के बिचौलियों का कमीशन बंद कर दिया है। अब मुझे बताइए, जिनके ये कमीशन बंद हो गए हैं तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? मोदी पर गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? भांति भांति का झूठ फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? पानी पी पी करके गालियां देते हैं, लेकिन उनकी एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपके आशीर्वाद की इतनी मजबूत दीवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचने देती है। और इसलिए मैं आपको नमन करता हूं।
और भाइयों बहनों, मेरा पक्का विश्वास है, मेरा इस देश की जनता पर विश्वास है, इस देश के गांव गरीब किसान पर विश्वास है, इस देश की माताओं बहनों नौजवान पर विश्वास है, और मेरा विश्वास है कि लोग जितना कीचड़ उछालेंगे, जितना ज्यादा कीचड़ उछालेंगे, उतने ही ज्यादा कमल खिलेंगे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो अलग झारखंड राज्य का निर्माण ही है। ये भाजपा ही है जिसने अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और बीते 10 वर्ष में इसके बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की। आदिवासी समाज में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की पहली बार सूद लेने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भाजपा है। मैंने झारखंड से ही इन जनजातियों के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की थी। इसके तहत आदिवासी परिवारों के घर बन रहे हैं, दूसरी सुविधाएं बन रही हैं, रोजगार के साधन बन रहे हैं। इसका लाभ हमारे झारखंड की बैगा, बिरहौर, बिरजिया, कोरवा, परैया, सवारा, ऐसी छोटी 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 आखिरी छोर पर बैठी हुई मेरे जनजातीय भाई बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय बनाया, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। साथियों, हर गरीब का सपना ही, और आप लिख लीजिए, आपका सपना, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं खुद दिन रात इसलिए खपा रहा हूं ताकि देश में गरीबों की मुश्किलें कम हैं, जितनी कम हो मैं उसके लिए कुछ न कुछ करता रहूं। मेरे देश के गरीब गरीबी से जल्दी बाहर निकले। बीते 10 साल में देश में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर आए हैं। जब उन 25 करोड़ भारतीयों की गरीबी दूर हो सकती है तो जो अभी भी गरीबी में जी रहा है, मोदी पे भरोसा कीजिए, आपकी गरीबी भी जाएगी। मोदी का संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड। आप लोग यहां से जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे, ऐसा नहीं हाथ ऊपर करके बताइए तो मानूं, मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। यहां से जाने के बाद अपने घर के आसपास, गांव में, मोहल्ले में जो भी लोग हैं उनके पास जाइएगा, जो आज रैली में नहीं आ पाए उनके पास जरूर जाइएगा और उनसे कहिएगा कि मोदी जी धनबाद आए थे, मोदी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में प्रणाम पहुंचा देंगे। एक बार फिर आप सभी का इतनी विशाल संख्या में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विशेष रूप से जो धूप में तप रहे हैं ना, उनको फिर से वह एक बार धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं एक भी व्यक्ति वहां से हटा नहीं है। क्या प्यार है आपका, क्या आशीर्वाद है आपके, ये कभी भूल नहीं सकता हूं भाइयों बहनों, कभी भूल नहीं सकता हूं। आप इस धूप में तप रहे हैं मोदी को आशीर्वाद देने के लिए, जिंदगी में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है।
मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी ताकत लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गुंज सुनाई देनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।